व्हाट्स अप गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का वंस अगेन एक और ब्लॉग लेके आ चुके हैं। और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले कि टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल पे #1 पे इंडिया है। कमाल की बात है, बट अब असली ग्राइंड यहाँ पे स्टार्ट होगी। दो दिन का सिर्फ समय मिला है इनको, जो भी तैयारी करना, जो भी नए स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई करना, सिर्फ उसे दो दिन इनको मौका दिया गया, उसके बाद फाइनल डे वन स्टार्ट होगा। तो अभी हम देखते हैं कि इस क्या पैटर्न किस तरीके से ग्राइंड करते हैं आज के डे में, पूरा ये देखने वाले। और मेरा इसी टाइम के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वाली ब्लॉग में आप लोग ने कमाल का प्यार दिया, इसी तरीके से प्यार बना के रखो। चलो लाइक नहीं किया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लास्ट ब्लॉग जिसने नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट करके आना, काफी मस्त है। तो गाइस सुबह का टाइम है, सब नाश्ता कर रहे हैं। और कल आप लोग ने एक खास बंदे को देखा होगा जिनका नाम है टॉम, जो हमारे एक्सो के मैनेजर हैं, लाइनअप मैनेजर। और वो बोल रहे थे फियर सबसे ज़्यादा खाता है, तो चलिए हम इनको भी एक्सपोज करते हैं हमें। और मेरे हिसाब से 8-9 ब्रेड खा चुके हैं। अरे दो ही ब्रेड ही बस। और दो ब्रेड खा रहे हैं अभी, उसके बाद ये पूरा जो फल है सेव जो हमारा रखा हुआ है ये यही खाने वाले हैं। नहीं भाई, नहीं, कुछ नहीं खाने वाले। तो ये सबसे ज्यादा खाता है, मैं इसे एक्सपोज कर रहा हूँ। वो फियर्स का नाम ले लिया तो उसको वापस से सुधार करते हैं। ये है वो गद्दार जो सबसे ज्यादा खाना खाता है इस पूरे बूट कैंप पे। अरे पता नहीं वो होता है। चलो मैं और प्रूफ दे दूंगा गाइस, आप लोग अभी एंड तक देखो ब्लॉग में, धीरे धीरे करके सब दिखाता हूं कितना खाता है दिन भर में। तो वेल टॉम वहाँ पे खा रहा है और उन्हें हम खाने देते हैं, हमको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। बट एक और बंदा है जो कि फिलहाल थोड़ा आउट ऑफ टाइम चल रहा है क्योंकि रात भर ग्राइंड किया। सेमीफाइनल तो #1 में क्वालिफाई कर लिया, नहीं चाह रहा था #1 फिर भी आ गया। तो अभी हम डायरेक्टली पूछते हैं और आज के क्या प्लानिंग है जरा उनसे जानते हैं, हमारे IGF सेंसे गुरु सर जो भी आप समझो। तो फिलहाल हमारे गुरु सो रहे हैं। चलो गुरु उठ जाओ। उठाया हुआ है, उठा नहीं है तो सो रहा है, अपनी बात नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, 18 प्लस गाइस, 18 प्लस हो रहा है। नहीं, सोच की बात कर रहा हूँ, अपने आंखों की बात कर रहा हूँ। उठे बड़े सेमीफाइनल तो भाई बड़ा ही आराम से क्वालिफाई कर लिए। अब जो आप बोले थे कि #1 में मजाक मजाक में एंड कर देंगे वो कर ही दिए, तो ग्रैंड फाइनल दो दिन का मौका 48 घंटे से भी थोड़ा ज्यादा, तो इस 48 घंटे को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे? जितना आराम हो सके जो 4 दिनों में नहीं करे वो करूँगा, और बाकी जो टीम्स जो अच्छा खेली है कुछ बुरा खेली है तो देखूंगा क्या उनने बुरा खेला या क्या उनने अच्छा खेला, प्रैक्टिस करूंगा। और अपने जो स्ट्रेटेजी जो हमने मेन बनाई थी जो हमने सेमीफाइनल्स में कहीं ना कहीं यूज़ नहीं करी, उन्हें फाइनल्स में यूज़ करेंगे और देखते हैं फिर। बाकी दो जगह #1 आई में तो ज़्यादा बेटर है। ग्राइंड से #1 का ये पैटर्न चल रहा है, उसमें भी पहले जो इवेंट है उसमें भी टीम एक जो #1 करती आ रही थी, एक अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रीक बना हुआ है। बट अब यहाँ से मेन घड़ी आ चुकी है जहाँ पे जितने मेहनत किए गए इन 2 साल में 1 साल में उसका जो आखिरी रिजल्ट है वो हम लोग यही देखेंगे। सेंसे फिलहाल थोड़ा सा आराम करें, उनको आराम करने देते क्योंकि रात भर ऑलरेडी सबने बताया ग्राइंड किए। बाकी प्लेयर्स से मिलते हैं कि वो फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं और चलते हैं फटाफट से उनके पास, देखते क्या चल रहा है। तो वेल ग्राइंड चली रही थी लेकिन इसके बीच में अब बात करें तो जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके फोन्स आ चुके हैं जिसमें इनको ग्रैंड फाइनल खेलना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सेंसे IGL हमारे अनबॉक्स करेंगे 2 डिवाइस जिसमें से शायद एक मेरा। चलिए ये लाइन कट करते हैं, बट चलते हैं हम सेंसे के साथ नीचे, देखते हैं अनबॉक्सिंग किस तरीके से करता है, फर्स्ट लुक क्या रहता है सेंसे का उस डिवाइस को लेकर। तो सेंसे रेडी हो चुके हैं, एक्सो सेंसे पीछे जर्सी दिखा रहे हैं, हम लोग नीचे जा रहे हैं छुपा के अनबॉक्सिंग करेंगे। पहले ही अकेले जा रहा था बट मैं इसे रोक लिया कि चलो मैं डिवाइस तो नहीं लूंगा तुम्हारा, मेरे को अनबॉक्सिंग देखना है। लेफ्ट हैप्पी बर्थडे टू मी, फोन लेके घर जाऊंगा, हैप्पी बर्थडे टू मी। चलो सेंसे भाई फोन निकालो, एक मेरा एक तेरा, ठीक है डील। थोड़ा मतलब फोकस ऊपर रखना क्योंकि मेरा पेट थोड़ा निकल चुका है आजकल, तो वो दिखाना नहीं। ये चाकू थोड़ा खतरनाक लेकर आए हो, पेटी ले रहे थे। अबे साले जो माफ करना मैं जो कभी सिल चाकू अच्छा वाला लाया, ब्रांडेड चाकू है भाई। इसमें लिखा हुआ गुची लिखा हुआ है। ओह माय गॉड गाइस, कभी भी चाकू केयरफुली यूज करें क्योंकि चाकू बहुत पॉइंटेड होता है, ये इजली कहीं पे भी कुछ
लग जाएगा तो टूट सकता है। Okay, एक आ चुका है। एक्चुअली ना इसे इधर रख देते हैं ताकि वाइट में और अच्छा दिखे। क्यों? गुड आइडिया। दो फोन आ चुके हैं हमारे पास। हर किसी प्लेयर के लिए दो फोन है एक्चुअली, एक शायद खेलने के लिए, एक कैमरा के लिए, फेस कैम वगैरह के लिए, ताकि जो मेरा हैंडसम चेहरा है उसे कैमरा अच्छे से कैप्चर करे। केयरफुल होकर यूज करे, अमलिया सब कुछ मेन है भाई। जो पबजी खेलता है वो तो बिल्कुल ही समझ पाएंगे, कब पता लगे सेंसी वहां पे फोर फिंगर से थंब पे शिफ्ट हो रहा है फाइनेंस में। इम्प्रूवमेंट गाइस, डब्बा देखो, मतलब डब्बे में ऐसा लग रहा है कि सारे पैसे सोना तिजोरी इसी में रख दूं, किसी को तिजोरी बना दूं मैं। डब्बा बहुत सही है, लेकिन डब्बा बहुत सही है। फर्स्ट लुक के लिए तैयार हो? हां ऐसा। ये देखिए फोन, ये रहा फोन, दिखने में तो काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा तोड़ो। इसे बोलते हैं स्टैटिक एनर्जी, क्या बोलते हैं? स्टैटिक एनर्जी, जैसे बोलते ना इसे, जिसे खुलता नहीं है, अब खुल गया जबरदस्ती। पुश सब पहले निकालते हैं, रखते हैं, फिर खुलते हैं। यहाँ पे तो खुलते के साथ ऑन हो गया। फोन को बाद में दिखाते हैं, बाकी का डब्बा देखते हैं। डब्बे के अंदर क्या है? ये अडैप्टर है, काफी अच्छे वॉट का, मुझे वॉट नहीं पता एग्जैक्टली कितना है, लेकिन बहुत फास्ट चार्जर है, बहुत ज्यादा फास्ट, मतलब फोन इज रेडी, फोन रेडी है, हम भी रेडी है, लेकिन हमारा हाथ उस पे बैठने में अभी टाइम लगेगा, तो वो रेडी नहीं। हाँ तो फोन खुल जाएगा, पहला लुक देखो, ये ऐसा लग रहा है किसी मतलब गाड़ी का अनबॉक्सिंग कर रहे, बहुत सुंदर है ना, बहुत ज्यादा। BMW का कलर भी इसमें, हाँ BMW का कलर थीम भी कलर होता है इसमें। प्री इंस्टॉल्ड कुछ ऐप है, BGMI है, कर लेते हैं फटाफट, दूर दूर तक नहीं है BGMI, लेकिन हाँ फोन काफी अच्छा है। अगर मैं इसे पकड़ू ऐसे करके तो बहुत लाइट वेट लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है सही में ये, बाकी कब जिस फोन में खेलता हूँ इसका बहुत लाइट वेट है उठाने में ऐसा लग रहा है। और इसका क्या है कि थोड़ी विड्थ जो है ना वो छोटी है, लेंथ बड़ी है, लंबा देखेगा ऐसा व्यू ज्यादा आएगा। बहुत बार होता है कि छोटे फोन में मतलब जब पकड़ते ग्रिप बनाते हैं तो उनमें क्या होता था, फिंगर्स पूरी स्क्रीन मोस्टली 50% कवर कर लेती है, लेकिन इसमें ऐसा है ना कि तुम्हें काफी कुछ दिखने वाला है। सांप लेटे हुए, मैंने जो सांपों का वादा यही करेगा। ठीक है, फोन काफी अच्छा है। अब ग्राइंड स्टार्ट होगा, ग्राइंड स्टार्ट होगा, ये बार से कवर में लगा देता हूँ, कवर तो बड़ा टाइट है। Nice. फोन रेडी हो चुका हमारा, इसमें दिखने में ना अच्छा लग रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है एक्चुअली ने कराया गया आई गेस, ये उन्होंने रेस ट्रैक कुछ बना रखा है, उस ट्रैक पे मतलब BMW उनका लोगो वगैरह कर रखा है, ताकि वो समझ रहे हो फास्ट फास्ट फास्ट। वेल अनबॉक्सिंग हो गया, अब फटाफट जाके ग्राइंड स्टार्ट करना है, लोगों को देखते हैं किस तरीके का मजा आने वाला आज के डे पे। न्यू डिवाइस, न्यू एक्सपीरियंस, इमॉर्टल भी यहाँ पे बात करें तो स्टार्ट हो चुका है अपने डिवाइस को लेके, ऑलरेडी अनबॉक्सिंग इन्होंने कर लिया है पूरे अच्छे तरीके से, और कुछ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मॉडल? अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ भाई, मैं बना रहा हूँ साथ में कर रहे हैं भाई भाई। मजाक है, तू अपना बना, मैं अपना बनाऊंगा, ठीक है, मैं लैक नहीं किया, मैं जानबूझ के किया। देख लो गाइस, बड़े लोग iPhone 13 से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है भाई कर लो भाई, चलिए इनको यहाँ छोड़ते हैं, आगे आते हैं। फियर्स भी आई थिंक अपना कर चुके हैं अनबॉक्स, फिंगरप्रिंट भी लगा रहे, वाह काफी तेज है फियर्स। BGMI डाउनलोड किए, ये रेडी हो गया भाई, ये सबसे तेज है, हो गया अनबॉक्स रेडी।
डाउनलोड हुआ BGMI सबसे फास्ट। अच्छा हो गया, आगे मिक्सअप ना हो, डाउनलोड हो गया। लेट्स गो प्रैक्टिस करेंगे बंदे पहले। स्ट्रीम कर रहा हूँ यार मैं, मेरे को भी प्रमोट कर, शाउट आउट दो मेरे को। मेक शाउट आउट टू पंक। ठीक है भाई, हम जा रहे हैं पंक भाई, बेइज्जती कर दिए तुम। वेल, शाम हो चुका है ओवरऑल और सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट अपने न्यू डिवाइस में स्विच हो चुके हैं जिसमें उनको ग्रैंड फाइनल खेलना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि फिलहाल उनका एक्सपीरियंस उस नए डिवाइस के साथ कैसा चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा स्विच होता है तो प्रॉब्लम तो होता है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारे प्लेयर या फिर सब कुछ बेहतर है, पता करते हैं। वेल, देखा जाए तो सेंसिव तो स्प्रे का तैयारी कर रहा है, यहाँ पे फियर्स ऑलरेडी TDM बैटल में जा चुका है, लेकिन इमॉर्टल रुका हुआ है। मॉडल से पूछते हैं, मॉडल क्या चल रहा है फिलहाल नए डिवाइस को लेके, क्या चल रहा है फिलहाल? कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, थोड़ा थंब प्लेयर है ना। हाँ, तो बहुत एक्यूरेट अच्छे से सेट कर रहा हूँ कंट्रोल। अच्छा, एक एक अंगूठे पूरा, एक एक अंगूठे से पूरा काम होता है ना। हाँ, राइट वाला। तो वैसे डिवाइस देखा जाए तो लगभग साइज भाई तो सेम है, बट सेम है, बट जो कंट्रोल कोड कॉपी करा ना पूरा बिखर गया, पूरा कंट्रोल सब बड़ा बड़ा हो गया। अरे सब थोड़ा छोटे कर रहा हूँ सारे बटन और लगा रहा हूँ। ओके, तो फिलहाल देख लेते हैं यहाँ पे सही में एक करियर है। ये आईफोन है। हाँ, और ये वैसे देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिवाइस के साइज वाइज, बस थोड़ा चौड़ाई अगर बोलेंगे तो आईफोन का ज़्यादा है और इसका कम है, तो लेकिन उसी का चलते मुझे लगता है कंट्रोल थोड़ा सा बिखर गया। मॉडल लगा हुआ है, देखते हैं इसका कब तक स्टार्ट होता है, बट इधर फियर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुका है और देखा जाए तो TDM के प्रैक्टिस में फियर्स। वैसे एक्सपीरियंस कैसा है नए डिवाइस के साथ? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा फोन है, बहुत अच्छा फोन है। हाँ, अभी नया तो थोड़ा टाइम तो मुझे लगता है लग ही जाएगा, बाकी डिवाइस ओवरऑल अच्छा ही लग रहा हाथ में। साइज का क्या कुछ डिफरेंस आईफोन से? आईक्यू पे आए हो तो साइज डिफरेंस कुछ? साइज क्या है, आईफोन का सेम साइज है पर ये थोड़ा ऐसा है। ओके, ऊपर का जो लेंथ है ना। हाँ, तो थोड़ा इसका छोटा है आईफोन से, इसलिए कंट्रोल्स में दिक्कत हो रहा है। चलो, बाकी यहाँ पे प्रैक्टिस का चल रहा है नए डिवाइस के साथ, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते। हमारे आईजीएल से फिलहाल पूछ लेते हैं, सेंसे ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ चुके हैं और वैसे सेंसे आपका एक्सपीरियंस नए फोन को लेके? अच्छा है, थोड़ा मतलब वही एंड्रॉयड वाला फोन है तो दिख रहा है एंड्रॉयड। लगे हुए हमारे सेंसे आज रात भर, हमको लगता है कि स्प्रे जो थोड़ा मोड़ा लग रहा है वो और बेहतर है, बाकी स्प्रे तो हम देख रहे हैं, स्प्रे में तो मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। बस अब लॉबी के अंदर, पहला लॉबी के अंदर जाएंगे तो देखते हैं सेंसे का क्या एक्सपीरियंस होता है, बाकी स्प्रे तो है अभी। स्प्रे तो बहुत अच्छा है, स्प्रे तो है। मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा बड़ा ग्राइंड करूँ, लेकिन मेरे लिए डिवाइस नहीं आया तो मैं नहीं करूँगा, अभी बाद में करूँगा। बाकी मस्त चल रहा है, देखते हैं कब तक ये लोग अपने आप को रेडी करता है लॉबी के लिए और लॉबी के अंदर जाते हैं कितने फिनिशर्स निकालने में कामयाब होते हैं। दिखा यार, दिखा यार। दानों दानों सब तो से हाथ लग रहा है क्या? हाँ, कहाँ हो रहे तेरे? तेरे दाने नहीं हो रहे, सही में नहीं हो रहे, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। दिखा उधर, देखेगा तो नहीं, नहीं दिखेगा, लग रहा है मम्मी कसम। सेम है, सेम उसकी जैसी आंखें, सघन चेहरा लाल। तो गाइस ये प्रधान है जिसको आप हमेशा देखते हो कैमरे, बट यहाँ के कैमरे फाइनली सक्सेसफुल हो गए हम। आई एम सक्सेसफुल।
प्रधान कोई फायदा नहीं है फेस रिवील तो गाइस ये प्रधान है पहले दिन से बोल रहा भाई आ आ आ ही नहीं रहा अब आया अरे ये जानबूझ के आ रहा क्या नहीं भाई और कहा दूसरों का केएफसी ऐसी ऐसी है कोई बात नहीं प्रधान चलते हैं हां बिल्कुल आप देखो कितना क्यूट लग रहा है अभी कुछ कर रहा था सेंसर चलो कोई बात नहीं तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं थोड़ा सा चिल करेंगे सुबह से ग्राइंड ये लोग कर रहा है अभी थोड़ी देर का खाना पीना आराम करना उसके बाद वापस से जो जैसे ही स्प्लिटर आ जाते हैं जो हमारे प्लेयर्स के स्प्लिटर है जिसके साथ वो सुनेंगे गेम को अच्छे तरीके से उसका वेट चल रहा है वो जैसे ही आ जाएगा उसका फुल ऑन ग्राइंड हमारा स्टार्ट होने वाला है रात के 11 बज चुके हैं बट ग्राइंड अभी तक नहीं रुका है टीम एक्सो की और थोड़ा हम भी अब साथ दे रहे हैं यहाँ पे एक तरफ से अगर बोला जाए तो ऑलरेडी अभी देखेंगे हम लोग तो यप मैचेस यहाँ पे फिलहाल चल रहे हैं सेंसेई इमॉर्टल पंक फियर्स सब यहाँ पे ग्राइंड कर रहे हैं पहले टीडीएम प्रैक्टिस होंगे उसके बाद क्लासिक में जो भी मिस्टेक्स होंगे उसको अच्छे से चेकआउट किए जाएंगे और असली ग्राइंड चालू हो चुकी है जो हमारे फाइनल्स है ग्रैंड फाइनल जो होने वाला है अभी ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है मतलब एक तरह से बोला आज का दिन खत्म है कल दिन भर है और परसों से फिर ग्रैंड फाइनल हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए 100% तैयारी यहाँ से करके जाना प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे बात करें तो अंदर कर रहे हैं बट एक बार चलते हैं हम बोलेंगे कुछ नहीं क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ग्राइंड चल रही है वेल तो आज का डे फिलहाल ऑलमोस्ट समाप्त की तरफ है रात के 3 बज चुके हैं और सारे प्लेयर्स लगभग सो चुके हैं बट हमारे एक प्लेयर हैं जो कि अभी भी नहीं सोए और उनका ग्राइंड अभी भी चल रहा है और कितने देर चलेगा मेरे को नहीं पता मैं वेट कर रहा था अब खत्म होगा बट ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा मैं ख़त्म हो जाऊँगा अगर वेट करूँगा तो मैं सोने जा रहा हूँ लेकिन वो कौन है उनसे मिल लेते हैं उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि न्यू डिवाइस को लेके उनको कैसा लगा क्या लगता है क्या चेंजेस करने के लिए समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पंग भाई यहाँ पे ऑलरेडी अभी भी ग्राइंड कर रहे हैं तो पंग भाई मतलब थके नहीं हो यार मतलब सुबह स्ट्रीम अरे एक तो पता है टाइम कम है सिर्फ एक दिन ही है मानो एंड परसों से फाइनल स्टार्ट है तो जितना हो सके इस डिवाइस पे हाथ बैठ जाए एंड FPS वगैरह थोड़ा समझ में आ जाए ना तो अपन बेटर परफॉर्म कर सकते हैं एंड मैं दोपहर में भी सोया भी हुआ इस एक घंटे तो मेरे को एडवांटेज है मैं भी जाग सकता हूँ तो प्रैक्टिस चल रही है एंड ठीक है मतलब इतना भी डिफरेंस नहीं है बस FPS की थोड़ी दिक्कत आ रही है बाकी कंट्रोल्स वगैरह सब सेट हो गए हैं इतनी दिक्कत नहीं है पंग भाई तो रेडी है और ऐसे नहीं कि यहाँ पे कोई फेक है आप लोग देख सकते हैं स्क्वाड भी यहाँ पे रेडी है और माइक में कुछ कुछ फिर लोग बात भी कर रहे हैं अभी 2-3 राउंड खेल भी चुके हैं आई थिंक स्ट्रीम भी चल ही रहा है जहाँ पे ये खेल रहे हैं तो पंग भाई ठीक है आप ग्राइंड करो गुड नाइट ठीक है गुड नाइट पंग भाई तो ये थे हमारे पंग भाई जिनका ग्राइंड अभी चल रहा है बिल्कुल सही बात है यार मतलब लोग आप लोग जानते हो कि पंग भाई खेलते हैं पंग भाई की ये है पंग भाई वो है बट ये पंग भाई को कोई नहीं देखता है जो कि रात के ऑलमोस्ट 2 बज के लगभग 3 बजने वाले थे कुछ ही देर में तो ये पंग को कोई नहीं जानता है अभी मैं भी जाना कि ये भी पंग है जो कि इतना स्किल है इतना गेम सेंस है तो क्यों है तो रीज़न बस यही है हम लोग सब जानते हैं हम लोग सपोर्ट करते हैं हम लोग कुछ प्लेयर्स को काफ़ी बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा खेलता है बट वो अच्छा खेलने का जो रीज़न है ना वो बस ये है अभी लगभग 10 बजे से पहले एक आधा घंटा का खाने खाने का ब्रेक और 10 बजे से बैठा हुआ तो 3 बजने वाला अभी ये उठा नहीं है वो मेहनत कर रहे हैं एयरफोन लगा के ऑलरेडी उनको डिस्टर्ब नहीं करता वैसे निकलते बट आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग एक बार ज़रूर से लाइक और कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए बताइए और शेयर करिए फटाफट से अपने फ्रेंड सर्कल के साथ उम्मीद है ब्लॉग पसंद आया होगा और भी अच्छे कंटेंट आने वाले और भी ब्लॉग्स आने वाले तो उनके लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब से डेवलप कर दिए और साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं कब डालने वाला हूँ नया ब्लॉग तो उसके साथ आप मुझे मेरे चैनल पे आ सकते हो सपोर्ट दिखा सकते हो अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इंस्टाग्राम के थ्रू आ सकते हो अभी और भी काफ़ी सारे कंटेंट आने वाले बट मैं टोटली अब थक चुका हूँ मेरे को इतने रात तक जगने की आदत नहीं है मैं तो चलो सोने भाई इनको ग्राइंड करने देते हैं
Thank you so much. Peace out. When we got stakes for real, we looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. I'ma shell.